प्रणाम माँ भारती को और आप सबके गुरु माता पिता को और बहुत सारा प्यार बच्चों को, सब लोगों को सुबह की राम राम। ठीक है भाई, सुबह सुबह सब लोग राम राम जरूर कहा कीजिए, वो भी जोर से उच्च स्वर में। एक दूसरे को भी क्या कीजिए, और मैं भी आपको करता हूँ, आप मुझे भी क्या कीजिए। खुशियाँ आती हैं इन छोटी छोटी सी बातों से, खुशियाँ आती हैं, घर जुड़ने लगते हैं, चैतन्यता आती है, उत्साह आता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए राम राम जरूर किया कीजिए। कुछ लोगों की त्वचा तैलीय है, कुछ की खुश्क रहती है, कुछ की आंखें निस्तेज रहती हैं, कुछ का चेहरा मुरझाया रहता है। क्यों? ये उपाय करेंगे आप तो एकदम आकर्षक दिखने लग जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, आपके अंदर की ऊर्जा और उत्साह आपके चेहरे को आकर्षक बना देती है। जरूरी नहीं फीचर्स बहुत शार्प हो, जरूरी नहीं कि रंग गोरा ही हो, जरूरी यह है कि जो है उसे आप कितने अच्छे से कैरी करते हैं। अब जैसे जिन लोगों की त्वचा खुश्क रहती है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें दूध लगाना चाहिए अपने शरीर पर। जी हां, कौन सा दूध लगाना चाहिए? गाय का, और जिसमें चिकनाई हो, चिकनाई निकाली नहीं गई हो, सेपरेटेड ना हो, वो वाला दूध अपने शरीर पर लगाना चाहिए। त्वचा का जो रूखापन दिखाई देने लगता है वो नहीं दिखाई देगा। वैसे भी अभी तो अप्रैल तक त्वचा के खुश्क रहने का दौर चल ही रहा है, तो अभी ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, खिलती हुई त्वचा जो है ये आपको आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, और रूखी त्वचा या रूखा चेहरा लेकर जब आप किसी के सामने जाते हैं तो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं आप। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रेजेंटेशन आपकी ड्रेस का भी होता है, आपका शरीर का भी होता है, आपकी भाषा का भी होता है, आपके ज्ञान का भी होता है। तो आपको अच्छा प्रेजेंटेशन सीखना होगा, उसके लिए सबसे पहले त्वचा का ध्यान दीजिए। ऐसे ही कुछ लोगों की त्वचा बहुत तैलीय होती है, इन्हें क्या करना चाहिए? गुलाब जल, और ये भी प्योर मिल जाए तो क्या कहने, प्योर गुलाब जल खूब सारा अपने शरीर पे लगाएं। 2 से 3 मिनट का काम है मात्र, और ये दिन में 2 बार कर लिया करें, सुबह जब काम पे निकलें या बाथरूम में जब आप होते हैं, और रात को। देखिएगा धीरे धीरे जो त्वचा तैलीय होकर वो अच्छे नहीं लगती है, कभी इधर चमकती है कभी उधर चमकती है, वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कार्य आप कर लीजिएगा। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है, किसी की मदद से कोई विशेष कार्य भी आपका हल हो सकता है, प्रशासन से या सरकार से जुड़े हुए लोगों से आपकी बातचीत होगी, कुल मिला के आगे बढ़ने वाला ये दिन है। सावधानी, इस दिन प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसा कोई शत्रु जो छुपा हुआ है यानी मित्र के भेष में है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो इसलिए यदि संभव हो सके तो सरसों का दान या सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। ताली क्यों बजा रहा हूं पता है? ताली बजाने से हथेलियों के बीच में कुछ होता है। क्या होता है? दबाव पड़ता है। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, जब हमने यूं किया, देखिए स्लो मोशन में करता हूं मैं आपके साथ, और ये फिर तो ये हिस्से पे दबाव पड़ता है, इसलिए इस प्रकार से ताली बजाने से, या आप ताली नहीं बजा सकते हैं तो इस प्रकार से अपने हथेलियों को दबाने से, अंगूठे से आप दबा सकते हैं, कलम से आप दबा सकते हैं, किसी अन्य चीज़ से भी आप दबा सकते हैं, ऐसा करने से आपकी सुंदरता बढ़ती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। एक बात का ध्यान रखिए, और ख़ास तौर से वो लोग जो कृत्रिम रूप से सुंदरता बढ़ाते हैं यानी बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं या वगैरह वगैरह, ऐसे आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा मेकअप करने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं है, साफ पता चलता है। इसलिए कृत्रिम रूप से सुंदरता बढ़ाने की बजाय आप आकर्षक बनिए। अगर ये इसके साथ साथ आप इतने हिस्से पे तेल लगाकर इस तरीके से आप मालिश करते हैं, ये ना यह नाम एक उंगली, ये ऐसे करके आप मालिश करते हैं दोनों हाथों की 5-7 मिनट, तो आपकी आंखें बहुत विशेष हो सकती हैं। लंबे समय तक करना पड़ेगा एक साथ, लेकिन आपकी आंखें भी विशेष हो जाएंगी, आपका चेहरा बहुत आकर्षक लगने लगेगा। इसलिए हथेली पर इस तरीके से दबाव डाला कीजिए या इस प्रकार से आप ताली बजाया कीजिएगा।
अब सुनिए दो चार और तरीके जो आपको बना सकते हैं बेहद आकर्षक, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप आकर्षक नहीं दिखेंगे। आकर्षक दिखने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, मन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए यह उपाय जरूर करें, और वह उपाय है सूर्य के सामने खड़े होना। यदि सूर्य नहीं दिख रहा है किसी कारण से तो थोड़ी देर अग्नि के पास बैठ जाइए। जब बैठेंगे तो यज्ञ भी कर लीजिएगा। सूर्य के सामने जो लोग खड़े होते हैं, कौन से सूर्य के सामने? बिल्कुल जब उगरा होता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर तक, बस उस समय जो सूर्य के सामने खड़े होते हैं सूर्य नमस्कार कर लेते हैं या प्राणायाम कर लेते हैं, उनके शरीर में वो जाना शुरू हो जाता है। मैं आपको सूर्य क्रिया तो टेलीविजन के माध्यम से नहीं सिखा सकता, लेकिन सूर्य क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपकी वाणी में ओज देती हैं, ये आपके मन में प्रखरता और शांति भी देती हैं, और साथ ही साथ आपको प्रेम करना सिखाती हैं। अब जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं है। प्रेम कौन कर सकता है? इसका मन शांत हो। मन शांत होने से आप आकर्षक दिखेंगे। आपकी जो पीस ऑफ माइंड होती है वो आपके चेहरे को सदैव बच्चे जैसा बना के रखती है। जब आप प्रेम करते हैं, सुहृदय होते हैं, तो आपके चेहरे पे एक बच्चे जैसा भाव आ जाता है। सूर्य से विटामिन डी को प्राप्त कीजिए, आप आकर्षक दिखने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का शरीर निस्तेज दिखता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके अंदर होती है। इसलिए विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो वो काटे वाला होता है ना फुटरेस्ट, एक्यूप्रेशर के यहाँ से, एक्यूप्रेशर की दुकान से मिल जाता है। सूर्य के सामने जब आप खड़े ही हैं, जब खड़े ही हैं तो उसको रख लीजिए और उस पर 1 2 1 2 5 मिनट तक कदम ताल कर दीजिए, और देखिएगा कि अद्भुत रूप से 3-4 महीने के अंदर आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। लोग बताएंगे इसे तो ना, और कौन से लोग जो कभी कभी मिलते हैं वो बताएंगे, कुछ क्या कर रहे हो आजकल, कुछ बढ़िया लग रहा है। ये होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सडनली किसी बीमारी या किसी कारण से तेज खो रहे हैं वो दो कार्य करें। पहला तो यह है कि तांबे के ग्लास में जल पीना शुरू करें, और वह भी थोड़ी देर रखकर, और दूसरी चीज है अंगूठे में तांबे का छल्ला डाल लें तो वह अपना खोया हुआ प्रताप पुनः प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अनार की जड़ भी होती है, अनार की जड़ को लाल धागे में बांधकर यदि आप पहनते हैं और बृहस्पति के दिन, तो भी बहुत लाभ मिलता है और आप आकर्षक दिखते, हैंडसम ब्यूटीफुल के साथ साथ आप अट्रैक्टिव होते चले जाते हैं। और अब गुरुमंत्र, आपका शरीर यदि इस प्रकार का है या आंखें इस प्रकार की हैं जो जिसमें तेज नहीं, निस्तेज आंखें हैं, आंखें कुछ बोल नहीं रही हैं, आंखें मुस्कुराती भी नहीं हैं आपकी, तो आप में अट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि सड़क तो बनी हुई है लेकिन है सुनसान, तो इर्द गिर्द जब फुलवारी लग जाती है तो वही सुनसान सड़क रौनक वाली हो जाती है। कैसे होगा? पानी पीने से होगा। और एक बात और बता रहा हूं, जिन लोगों का पेट खराब रहता है वो स्मार्ट नहीं हो पाते, तो पेट को ठीक करने के लिए क्या करें? यदि आपको कब्ज रहता है तो स्मार्टनेस पे फर्क पड़ेगी, क्योंकि स्किन में रूखापन आएगा, कितना ही मेकअप लगा लें वो सब दिखता है। बेल का गूदा रात में खा के सो जाया कीजिए, खाने से सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले से खा लेना चाहिए, या फिर उसका शरबत पी लिया कीजिए, या उसका चूर्ण का इस्तेमाल कर लिया कीजिए। कब्ज दूर करने के लिए चिकित्सक सलाह भी ले लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा है तो। ढेर सारा पानी, कम से कम 4 लीटर, मैंने अभी बताया है कि कितना पानी आपके शरीर में होना चाहिए। अच्छा, मैं एक दिन पानी पे पूरा एपिसोड करता हूँ, तो ढेर सारा पानी आपने पी लेना है। पानी पीने से शरीर में कांति आती है और आंखें बहुत अच्छी होती चली जाती हैं, और एक ख़ास बात, थोड़ी देर मन को शांत कर दीजिए, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दीजिए और ध्यान कर लीजिए। खुद देखेंगे कुछ दिनों के बाद अद्भुत आकर्षण और तेज आपके चेहरे पर छलकने लगे। ये हैं वो चीज़ें, ये हैं वो टिप्स जो आपको लाभ देती हैं। चलते चलते एक खास बात, अगर दोस्त ना बन रहे हो तो टर्कोइज आज से 10 रत्ती का चांदी में एक कौड़ी के साथ मिलाकर अपने गले में पहन लीजिएगा।
सब अच्छा होगा, मित्र भी आपसे प्रभावित होने लगेंगे और आपके मित्र बनने भी लगेंगे। चलो खुश रहिए, खुश रखिए, प्रभु आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारे आकर्षण दे, जिससे आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने तेज से लोगों को सम्मोहित कर लिया करें। राम राम, नमस्कार।